सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रीट टाइप पाव भाजी। बिल्कुल एकदम जो बाजार में मिलती है, सेम उसी टाइप से हम पाव भाजी बना रहे हैं। बिल्कुल घर के ही सामान से बना रहे हैं, हमें किस और बाहर से कुछ भी चीज लाने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फर्स्ट क्लास, जो मार्केट में जाके हम 200-300 रुपए में एक प्लेट खाते हैं, वो पाव भाजी आज हम घर में 100 रुपए में क्या इतनी सारी पाव भाजी बना लेंगे कि अपने घर के 10 मेंबर आराम से खा सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे सबसे पहले आलू की सब्जी। तो आप सोचेंगे कि ये क्या कर रही हो सुरभि, तो आप देखें। और मैं ले रही हूँ इसमें पहले तेल, तो मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है तेल। तो ये भी बड़े सरप्राइजिंग होगा कि तुम पाव भाजी बना रही हो या आलू की सब्जी बना रही हो। यस फ्रेंड, मैं पहले आलू की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि वो हमें क्या है ना, बाद में घंटों मैश नहीं करना पड़ेगा अपना आलू। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने लिया है तेल, और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच जीरा। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच इसमें डालूंगी हरी मिर्ची। ये देखें, ये मैंने तीखी हरी मिर्ची डाली है, और इसके जो टेस्ट को इनहेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच या कहो या 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। और अब इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम टमाटर बारीक कटे हुए। साथ में मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। इसको मैंने कर लिया है थोड़ा सा अल्टी पल्टी। बस अब इसमें हम डाल देंगे करीब करीब ये 200 ग्राम मटर, और ये है 1/2 किलो आलू जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। ये है 1/2 किलो आलू और मैंने इनको काट लिया है। बस भैया, अब कुछ नहीं करना है इसमें। हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे 1/2 चम्मच देगी मिर्च, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा इसमें पानी। करीब करीब डाल देंगे 1 से 1.5 कटोरी। ये देखें, ये हमने छोक दी आलू की सब्जी, और इसमें 2 सीटी लगा लेंगे तेज गैस पर। अब इस पर हम 2 सीटी लगा लेंगे तेज गैस पर, उसके बाद धीमी आंच करके हम इसको 5 मिनट तक और बॉइल करेंगे। फिर उसके बाद हम कर देंगे अपने कुकर को बंद। आप देख रहे हैं, एक तरफ मेरे आलू में जब तक विसिल आ रही है, तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, इसके साथ में थोड़ा बटर और ऐड कर देती हूँ। तो ये थोड़ा हमने 1/2 मटर ले लिया है, और 1/2 ले लिया है हमने तेल। तो अब इसमें हम डालेंगे करीब 1 चम्मच अपना जीरा, इसके साथ ही डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये मैंने डाल दी कसूरी मेथी। थोड़ा सा डालेंगे इसमें अदरक। ये देखें, ये 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अदरक। हरी मिर्ची हम पहले ही डाल चुके हैं, तो मैं इसमें हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। हल्का हल्का सा इसे एक साथ ही हम सारा सामान इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये लहसुन। लहसुन पाव भाजी में बहुत अच्छे से डलता है, तो 2 टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ लहसुन। ये मैंने लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, तो वो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 से 3 प्याज। ये भी मैंने बहुत बारीक चॉप की है, ब्लेंडर से अच्छे से पीस ली है, वो मैंने इसमें डाल दी है। हल्का सा इसका कच्चापन निकलेगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी शिमला मिर्ची। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी कर रही हूँ थोड़ा सा बटर ऐड,
ये जो पाव भाजी बन रही है स्ट्रीट फूड जो होता है ना, जो रोड पे मिलती है, बॉम्बे की फेमस पाव भाजी जो हम बोलते हैं, ये वही है। इसमें हम कोई गोभी है, चुकंदर है, गाजर है, ये सब नहीं डालते। जो प्रॉपर बम्बई की जो पाव भाजी है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो जनरली जुहू पर और सब जगह पे बॉम्बे में स्ट्रीट फूड की जो पाव भाजी होती है बहुत ही डिलीशियस, वो हम बना रहे हैं। सो गाइस, थोड़ी सी हमारी प्याज हल्की सी पिंक होने लगी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये दो शिमला मिर्ची, इसको भी मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि हमारी जो ये कुकर में आलू की सब्जी हो रही थी वो हो गई है। इसको मैंने गैस बंद कर दी है इसकी, और ये हमारी जो पाव भाजी का मेन प्रोसेस है वो अभी चालू है। हमने इसमें ऐड की है शिमला मिर्ची, तो इसे थोड़ा एक मिनट के लिए अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें करीब करीब हम डाल देंगे 200 ग्राम के करीब टमाटर का पल्प। ये टमाटर को बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम के करीब टमाटर का पल्प। ये देखें, गैस को आप कर दें तेज और इसी के साथ इसमें आप डाल दें दो चम्मच पाव भाजी मसाला और एक बड़ी चम्मच इसमें डाल दें देगी मिर्च। ये देखें, एक चम्मच मैंने भर के डाल दी इसमें देगी मिर्च। अब इनको हमें अच्छे से थोड़ा सा जो हमने ब्लेंड किया हुआ था उसका जो पानी था मिक्सी का वो मैं सब इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे और जो ये सब सब्जियां हैं वो बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी। अब थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इसमें रह गया है नमक। आलू की सब्जी में तो हमने नमक ऑलरेडी डाल ही दिया था, और बस ये ग्रेवी के अनुसार हमें इसमें डालना है नमक। इसमें जीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है, तो आप जीरा डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, तो बस अब इसको हम बढ़िया से नरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे करीब करीब एक पूरी कटोरी भर के पानी। आधी कटोरी हमने पहले डाला था और वापस से अभी हमने इसमें डाल दिया है एक कटोरी पानी और, तो बस अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे मीडियम गैस पर। तब तक हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारा जो कुकर है वो ठंडा हो जाएगा। सो फ्रेंड, आप देखें, आपको बड़ा मजा आएगा कि ये हमारी आलू की सब्जी बन गई है। जनरली जो बॉम्बे में पाव भाजी वाले होते हैं तो इस तरीके की आलू की सब्जी बना के लेके आते हैं, और जो ये मसाला हमने जो बनाया है ना कढ़ाई में, ये वो मसाला हमारे सामने तवे पर बनाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं जो हमारा कढ़ाई में मसाला बन रहा है, इस टाइप का मसाला वो हमारे सामने बनाते हैं। तो ये देखें, ये मसाला भी हमारा बहुत बढ़िया बन गया है और अब इसमें हम मिला देंगे अपनी आलू की सब्जी। तो आलू भी हमारे बहुत बढ़िया से पक गए हैं, अभी अब हमें इनको घंटों तक मैश करने वाली प्रॉब्लम हमारी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इनको बहुत बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा इन्हें 5 मिनट के लिए अच्छे से आपस में मिक्स होने देंगे, फिर जो पाव भाजी मैशर होता है ना उससे हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। तो इसे आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं और नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चूंकि आलू अभी बहुत अच्छे से पक गए हैं तो हम इसे
अभी भी मैश कर सकते हैं। सो फ्रेंड आप देखें, ये मैं पाव भाजी मैशर से इसको बड़ी आसानी से बिना ताकत लगाए बहुत बढ़िया से इसको मैश कर रही हूँ। जितना मुझे चाहिए मैं उतना मैश कर सकती हूँ। कई लोगों को खड़ी पाव भाजी बहुत पसंद होती है, तो अगर आपके किसी घर वालों को खड़ी पाव भाजी पसंद है तो आप उन्हें पहले थोड़ी सी निकाल दें और फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से मैश कर लें। तो ये बस इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा चला लें और फिर इसको पकने के लिए रख दें। तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसे हम और थोड़ा सा पानी डाल के लगभग हम इसमें एक कटोरी पानी और डाल देंगे, एक से डेढ़ कटोरी पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है एक से डेढ़ कटोरी पानी और अब ये पक के फिर रेडी हो जाएगी और अब इसे हम करेंगे फाइनल। तो फ्रेंड ये हमारी हो गई है पाव भाजी तैयार। आप देख सकते हैं आलू वगैरह सब बहुत बढ़िया से मैश हो गए हैं। ये देख सकते हैं, और जो इसका बटर और जो ऑयल था वो सब बढ़िया से ऊपर आ गया है। और हमें इतनी ही गाढ़ी पतली रखनी है, बहुत ज्यादा गाढ़ी ना रखें क्योंकि जब वो पाव में लगेगी ही नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कलर, ये फूड कलर है, खाने वाला कलर है, आप चाहें तो इसे डालें, ये फुल ऑप्शनल है। अगर इसे हम डाल देते हैं तो ये घर वाला थोड़ा सा टेस्ट इसका जो देखने का नजरिया है घर वालों का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि भाई हाँ हम बाहर वाली पाव भाजी खा रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा आप कलर डाल लें तो इसका जो देखने का कलर है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप देख सकते हैं तुरंत इसका कलर चेंज हो गया है। और ये फूड कलर मैंने ये वाला लिया है, आप देख सकते हैं ये हलवाई वगैरह यूज करते हैं। टमाटो रेड कलर लिया है मैंने, जितना आप चाहिए इसको आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसे पानी में डाइल्यूट करके डाला है, आप ये देखें, आप डायरेक्ट नहीं डालें, हल्का सा इसे पानी में डाइल्यूट कर लें। ये मैंने इसमें डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत सारा धनिया, जिससे इसका स्वाद जो है बहुत बढ़िया आने वाला है। ये देखें ये हमारी हो गई है बिल्कुल जुहू वाली पाव भाजी तैयार, बहुत ही यम्मी सी। अब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। अरे भाई पहले हम पाव भी सेक लें, पाव तो सेकना हमारा बाकी रह गया है, वो भी सेक लेते हैं। ये पाव भाजी बिल्कुल हो गई है एकदम टनाटन तैयार, तो इसे रखते हैं साइड में। तो ये हमने ले लिया है तवा, इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी बटर और हमें चाहिए थोड़ा सा होटल वाला लुक, तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा धनिया, थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी, जस्ट एक चुटकी मैं कसूरी मेथी का पाउडर डाल दूंगी इसको। और इसमें बहुत थोड़ा सा हम जो टेस्ट है ना वो पाव भाजी की, आधी चम्मच इसमें डाल देंगे पाव भाजी का मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच ही पाव भाजी का हमें मसाला डालना है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आप डाल दें देगी मिर्च, तो इससे जो होगा इसका कलर जो पाव पर लगता है ना फ्रेंड बाहर वालों का वो कलर इसमें आएगा और इसका स्वाद जो है डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो इसे हम इसमें अच्छे से घुमा लेंगे और इसे पलट लेंगे, हमें इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक सेकना नहीं है, बस इसे आगे पीछे से थोड़ा सा गर्म करके और पलट देना है। ये देखें जैसे मैं इन्हें पलट रही हूँ इस तरीके से, मक्खन आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना लगाना चाहते हैं। तो ये जो पाव हैं वो हमारे हो गए रेडी, अब हम इसको रख देंगे अपनी प्लेट में। और जो हमने अभी जो स्ट्रेट वाली पाव भाजी बनाई थी ना फ्रेंड, उसको हम इसमें निकाल देंगे,
बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही यम्मी है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस स्टाइल में जरूर बनाएं। इसमें किसी भी तरीके की प्याज या चुकंदर और ये सब ना डालें, आप इसी तरीके से बनाएं। यकीन मानिए ये बहुत बढ़िया लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। ये रियल बॉम्बे की पाव भाजी है, आप इस तरीके से बनाएं और खाएं। थैंक यू।